नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, तो फिर अभी तक हम लोगों ने पांच जो कैटेगरीज ये देखी हैं, अब मुझे एक ऐसा एग्जांपल आप लोगों को देना है और मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाऊंगा। अगर आप ये एग्जांपल खुद से भी एक बार ट्राई करें, अगर पहले पॉज करें अपना वीडियो और ये खुद से ट्राई करके देखें, अगर आपका आंसर भी बिल्कुल मेरे आंसर की तरह होगा तो आप ये समझ जाएं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको भी तकरीबन उतनी आ गई जितनी मुझे आती है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को अपने से एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, एक एग्जांपल, ये मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड में क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक पांच कार्बन की चेन का चेन है जिसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम अभी हमने कुछ देर पहले क्या बोला था बच्चों, ये है एक पेंटेन और उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पेंटेनॉल। ठीक है ना, अब इस पेंटेनॉल जो कंपाउंड है इसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स छांटने हैं। हमें पता करना है कि ये कंपाउंड टोटल कितने अलग अलग आइसोमर्स के साथ कॉमन हो सकता है। देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया 1, 2, 3, 4, 5, कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 और 1, 12 हाइड्रोजन के 12 और एक ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से C5H12O वाला जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के आपने जितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो आप लोगों को ड्रॉ करने, जिनमें से एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को हिंट के लिए ड्रॉ करके दे दिया। ठीक है, तो बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक लेक्चर को ध्यान से देख रहे थे उन लोगों को पता है इसमें एक बहुत बड़ी हिंट छुपी हुई है कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आखिरी में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और अगर जिन बच्चों को इसका नाम प्रॉपरली इसको बोलना आएगा वो लोग इसको प्रोपेनॉल वन बोलेंगे। ठीक है ना, तो चूंकि हमारे को एक हिंट यहाँ से लग गई कि ये प्रोपेनॉल वन है, तो आप इसके पोजिशन आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसके क्या बना सकते हैं, पोजिशन आइसोमर जहां पे की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा। तो देखिए, एक पोजीशन तो पहले केस तो था इसका जब फर्स्ट नंबर की पोजीशन में ये था, अब देखिए दूसरा केस बिल्कुल यही आएगा जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। एक और केस यहां से क्या आ सकता है, जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप थर्ड पोजीशन में आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल टू। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो केस हमने लिखा इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल थ्री। ठीक है, तो ये तीन तो इसके पोजीशन आइसोमर्स बच्चों आप लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, पेंटेनॉल वन, पेंटेनॉल टू और पेंटेनॉल थ्री, जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप जो है वो कभी पहली पोजीशन में रहेगा, फिर सेकंड पोजीशन में और फिर थर्ड पोजीशन में। अच्छा, अगर मैं इसको फोर्थ पोजीशन में लगाऊंगा तो यस, अगेन ये सेकंड वाले नंबर का फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से जो फोर्थ पोजीशन है वो यहाँ से सेकंड पोजीशन है, इसलिए इसको फिर पेंटेनॉल टू ही बोलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन या फोर्थ फिफ्थ पोजीशन में लगाऊंगा तो ये अगेन फर्स्ट वाला केस ही हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन को वन काउंट करेंगे। तो इस तरीके से ये तीन ही इसकी पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, मगर हमारा क्वेश्चन क्या था कि टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो क्या केवल इसमें पोजीशन ही आइसोमर्स हो सकते हैं, क्या और किसी तरीके के आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं? तो अब उस चीज़ को बच्चों हमारे को इन्वेस्टिगेट करना है,
अगला केस अगर मैं मान लूं कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, चेन आइसोमर्स भी इसके पॉसिबल हैं, तो आप देखिए कि इसके चेन आइसोमर्स कैसे बन सकते हैं कि ये चेन लेंथ घट और बढ़ जाए, ठीक है ना। जैसे जैसे कि इसमें 5 कार्बन की ये जो चेन है ये चेन चेंज हो जाए, कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने देखा कि ये चेन ही कन्वर्ट होगी जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपनी जगह सेम रहा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में देखिए हमने कोई डिफरेंस नहीं किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहली ही पोजीशन में है, मगर ये जो 5 कार्बन की चेन थी इसको शॉर्ट करके हमने 4 कार्बन में कर दिया। तो हम इसका नाम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा इतना पोजीशन को तो इतनी चेन को तो हमने आइसोपेंटेन बोला था और इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जुड़ गया तो आइसोपेंटेनॉल हो गया। या फिर इस ये पोजीशन, इसको अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो इसकी सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप और ये ब्यूटेनॉल हो गया, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसका नाम पढ़ सकते हैं। ओके, और थर्ड केस बच्चों इसका कैसे हो सकता है, डेफिनेट सी बात है कि इसमें साइड चेन दो कर लें हम, यहाँ पे देखिए दो साइड चेन बना दी हमने तो हमारी जो चेन की लेंथ है अब वो 4 की कंपैरिजन में केवल 3 ही रह गई, तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जिसको कि हमने पिछले केस में नियोपेंटेन बोला था अब उसको नियोपेंटेनॉल कह सकते हैं। देखिए तो ये इसका आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इस केस को लेकर के अगर आगे बढ़ाना चाहूँ बच्चों, तो देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि इस आइसोपेंटेन स्ट्रक्चर में टर्मिनल पोजिशन में है वो तो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, तो इस तरीके से इसके फर्दर पोजिशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं जिनको आप लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको भी इसमें काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो तरीके के आइसोमर्स तो हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए, हमने इसमें 3 पोजिशन आइसोमर्स और तकरीबन 3 चेन आइसोमर्स आइडेंटिफाई किए। तो क्या इसमें केवल चेन और पोजिशन आइसोमर्स ही है, क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कोई अल्कोहल किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ आइसोमेरिज्म तो नहीं रखता। तो आप लोगों ने थर्ड कैटेगरी जो पढ़ी थी, थर्ड कैटेगरी में बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये आपने थर्ड कैटेगरी में पढ़ा था जहां पे आप लोगों ने देखा था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल जो होते हैं अपने करस्पोंडिंग ईथर्स के साथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो एक बात हमारे को और समझ में आ गई कि इसका एक करस्पोंडिंग ईथर पॉसिबल है। देखिए ये 5 कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसके ईथर कैसे हो सकता है, CH3CH2OCH2CH2CH3, ये इसका एक ईथर हो सकता है। आप लोगों ने देखा कि हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ईथर में कन्वर्ट कर दिया और जो बचे हुए 5 कार्बन थे उनको 3 और 2 के साइड चेन्स में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस तरीके से हमारा जो ये एक ईथर बना ये एक इथाइल प्रोपाइल ईथर बन गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने एक ईथर बना लिया, तो ये एक थर्ड कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल में भी आपका ऐड हो गया। अच्छा, अब अगर हम आपको बोलें कि क्या इस कंपाउंड को ध्यान में रखते हुए आप फोर्थ कैटेगरी मतलब मेटामेरिज्म भी बना सकते हैं, क्या इसमें कोई मेटामर्स भी बन सकता है इसका, तो यस, दिस इज ए बाईवेलेंट। आप लोगों को समझाया गया था कि जहां पे भी बाईवेलेंट ग्रुप आपके पास आ जाएंगे, बाईवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन और इस तरफ कर लूं, जैसे एक एग्जांपल ये ईथर है, सॉरी इस ईथर की पोजीशन मैंने एक स्टेप लेफ्ट कर दी, तो अब आप देख सकते हैं पहले जब राइट में 3 कार्बन की एक चेन थी अब ये 4 कार्बन की एक चेन हो गई, तो कुल मिलाकर के ये मॉलिक्यूल इस तरीके की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे अभी इस ईथर का नाम क्या हो गया बच्चों, ये तो है मिथाइल और ये हो गया ब्यूटाइल, तो दिस इज ए मिथाइल ब्यूटाइल ईथर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मेटामर्स हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे के आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे के आपस में किस तरीके के आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं, और ये दोनों या फिर ये और ये आपस में एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर्स हैं। इस तरीके से आप आइसोमेरिज्म के
चारों जो ग्रुप्स थे मेजर ग्रुप्स इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि क्या हम इसमें, क्या हम किसी तरीके से इस स्ट्रक्चर के अंदर टॉटोमेरिज्म ढूंढ सकते हैं, कोई टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं, तो बच्चों टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहल के साथ तो नहीं ढूंढ सकते, पर अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड होता, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता, इनोल तरीके का होता, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हम यहाँ पे लेकर के आ सकते थे। मगर इस केस में केवल हम लोग इतने ही टाइप के एग्जांपल्स सेट कर सकते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से अगर आप लोग इसकी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट करते रहेंगे तो आपको फिर अलग अलग एग्जाम्पल मिलते रहेंगे, तो आपको वो एग्जाम्पल्स भी जोड़ के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें निकाल करके अपने आपको इस क्वेश्चन के लिए एलिजिबल बनाना है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत थॉरली समझ जाना है, जिसके बाद आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पोर्शन तकरीबन खत्म हो गया। आप जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और केसेस भी आपके सामने आएंगे, तो इतनी बातों को ध्यान रख करके आप उन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई अब ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो आइसोमेरिज्म का जो ये एलिमेंट्री लेक्चर था, इसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स को डिस्कस किया और हम लोगों ने देखा कि कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं और पांच कैटेगरीज हमने उसमें देखी। अब हम मूव कर रहे हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, जो कि एक एडवांस टॉपिक है आइसोमेरिज्म के अंदर, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो देखा, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखे, ऐसे आइसोमर्स देखे जो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में ही एक दूसरे से डिफरेंट थे। मैंने जब दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए तो आप लोगों ने देखते ही बता दिया कि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में तो ये डिफरेंस है, कहीं पे चेन की लेंथ पे डिफरेंस आ रहा था, कहीं फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा था, तो वहाँ डिफरेंस पकड़ना तो बच्चों उनके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत आसान हो जा रहा था। मगर अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अब जो हमारे पास केस है, इसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमारे बच्चे समझते हैं, हिंदी वाले बच्चे त्रिबिंब समावयवता कहते हैं। त्रिविंब मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब डिफरेंस आ जाए, थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन में जब डिफरेंस आ जाए, तो वहाँ पे त्रिविंब समावयवता हो जाती है। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर पूछूं कि क्या इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस है, क्या ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप में से ज्यादातर लोग समझेंगे कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, पर अगर इसको देखने का बच्चों नजरिया हम चेंज कर लें, जैसे कि देखिए इस एग्जांपल को, इस लाइव एग्जांपल को देख करके आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हमारा टॉपिक किस तरफ जाएगा। ये जो दो ज्योमेट्री हैं, ये दोनों ज्योमेट्री इन दो ज्योमेट्रीज को करस्पॉन्ड कर रही है। पहली ज्योमेट्री में जो ये ब्लू वाला बार था वो ऊपर रखा था और ब्लैक वाला बार पीछे की तरफ रखा था, जबकि इस वाले में ब्लू वाला बार पीछे की तरफ रखा है और ब्लैक वाला बार आगे की तरफ रखा है। कहने का मतलब आप इनकी ज्योमेट्रीज को ऐसे देख सकते हैं। देखिए पहला केस तो ये है, ये है फर्स्ट केस हमारा। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, ये है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या इनके स्ट्रक्चर में अंतर है? बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे इसकी बनावट थी पहले केस में, इसकी बनावट दूसरे केस में भी वैसी थी और ये भी वैसा ही था। डिफरेंस है तो सिर्फ इनके अरेंजमेंट का है। एक बार ये आगे की तरफ पोजीशन था और दूसरी बार ये पीछे की तरफ पोजीशन था। और बच्चों इतनी सी पोजीशन में डिफरेंस होने के कारण इन दोनों के दोनों कंपाउंड्स की फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिकल, बायोलॉजिकल और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हो जाती हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं। मतलब ये कंपाउंड एक अलग चीज़ है और ये कंपाउंड एक अलग चीज़ है, ये कुछ और काम आएगा और ये किसी और काम आएगा। तो इस तरीके से ये जो दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, जब आप लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप लोग इसके स्ट्रक्चर को देख करके बहुत डिफरेंस
नहीं पता कर पाएंगे, पर जब आप इनके थ्री डायमेंशनल मॉडल्स को देखेंगे तो थ्री डायमेंशनल मॉडल्स को देखने के बाद और समझ पाने के बाद आप लोग इनके डिफरेंस को पता कर लेंगे और फिर इनके डिफरेंस के कारण इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आने वाले डिफरेंस को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके का कुछ टॉपिक है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम जिस स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ने जा रहे हैं, इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो दो समावयवी जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, मगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस उनके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामितिक में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझने के लिए इसका एक क्लासिफिकेशन है जो कि आपको समझाया जा रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन आपको समझाया जाएगा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में बिल्कुल आप ध्यान देंगे। स्टीरियो आइसोमर्स को दो बड़ी क्लासेस में तोड़ा गया है, एक है कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स और एक है कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये दो तरीके के थ्री डायमेंशनल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वैसा ही डिफरेंस है, वो ही इनकी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिफरेंस के तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो बट अब आपको ये समझना है पहले कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या फिर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। कॉन्फिगरेशनल बच्चों कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप या एटम अराउंड अ रिजिड सेंटर, कहने का मतलब एक रिजिड सेंटर के अराउंड ग्रुप्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है वो उसकी कॉन्फिगरेशन कहलाती है। और कॉन्फॉर्मेशन एक फ्लेक्सिबल सेंटर के अराउंड ग्रुप्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे फिर अगेन मैं इसका एग्जांपल समझाने के लिए, देखिए इसको एग्जांपल ले रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड जो मार्कर है इसके एग्जांपल को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैंने इस एक कंपाउंड है मेरा ये और दूसरा कंपाउंड है मेरा ये, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, एक बार कैप जो है इसके बैक पोर्शन में थी, एक बार इसकी कैप जो है इसके हेड में लगी हुई थी। तो ये दो आइसोमर्स जो बने हैं, ये जो दो आइसोमर्स बने हैं इनको आप देख सकते हैं, ये जो दोनों आइसोमर्स हैं ये एक दूसरे के किस तरीके के आइसोमर्स हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं। देखिए एक एक फॉर्म ये हो गई और दूसरी फॉर्म ये हो गई, ये तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा एक रिजिड सेंटर है और उसके अराउंड ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो रिजिड सेंटर और अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ये तो है कॉन्फिगरेशन की बात। मगर कॉन्फॉर्मेशन जो होगा वो देखिए बच्चों क्या डिफरेंस है, ये एक पोजीशन है, सेकंड पोजीशन हो गई ये, थर्ड पोजीशन हो गई ये, फोर्थ पोजीशन हो गई ये। तो आप लोगों ने ये चारों केसेस देखे, ये चारों केसेस में क्या कंपाउंड चेंज हुआ, नहीं। क्या ग्रुप का पोजीशन चेंज हुई, नहीं, मगर एक उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हुआ। देखिए तीनों केसेस में, चारों केसेस में हमने क्या किया, इसकी कैप को इधर इधर रिवॉल्व करते गए। तो इस रिवॉल्यूशन से चार अलग अलग फॉर्म पैदा हुई हैं, जो फॉर्म एक दूसरे से सेपरेट तो नहीं की जा सकती मगर डिफरेंशिएट की जा सकती है। देखिए ये दोनों फॉर्म तो एक दूसरे से सेपरेट की जा सकती हैं, मैंने एक तरीके से इसको रख दिया तो ये एक सेपरेटेड फॉर्म है, और मैंने इसको अगर ऐसे रख दिया तो ये एक दूसरी सेपरेट फॉर्म है। तो इन दोनों सेपरेट फॉर्म्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर मैंने एक केस में ऐसे रख दिया पेन, एक केस में ऐसे कर दिया, ये तो दोनों एक ही दूसरे की एक दूसरे की फॉर्म है ना। तो ये देखिए रोटेशन जो है ये एक ही कंपाउंड के अंदर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस आया इसमें क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप अराउंड अ फ्लेक्सिबल सेंटर, इसको हम कह सकते हैं इसका कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला सेपरेट करवाना,
तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज अ सेपरेबल सेपरेबल एंड दिस इज अ नॉन सेपरेबल. आप लोग इस पॉइंट से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि सेपरेट नहीं किए जा सकते, उनकी एक फॉर्म किसी और कॉन्फॉर्मर की बात कर रही है तो दूसरी फॉर्म किसी और कॉन्फॉर्मर की बात कर रही है, मगर ये अपने आप में एक दूसरे पे कन्वर्ट होते रहेंगे. किसी एक ही फॉर्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, मगर इनके केसेस में ये सेपरेबल हैं, एक दूसरी एक फॉर्म को अलग सेपरेट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली दूसरे फॉर्म को आप अलग से सेपरेट कर सकते हो. तो दोनों सेपरेट फॉर्म्स को आप फिजिकली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. तो यहाँ पे सेपरेबिलिटी जो है ये भी एक इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है बच्चों. ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट इसमें एक और लिख रहा हूँ बच्चों, वो है आइसो लेबलिंग और यहाँ पे नॉन आइसो लेबलिंग. ये आइसो लेबलिंग या नॉन आइसो लेबलिंग क्या है, देखिए मैं इसके केस में बात कर रहा हूँ आपको. जब मैं इससे एग्जांपल समझा रहा हूँ तो आप इसी एग्जांपल से बिल्कुल थॉरली समझ लें इसको, एग्जांपल को. देखिए आइसो लेबलिंग का मतलब ये है कि क्या ये डिफरेंस हुआ भी सचमुच में, क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिफरेंस है. इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने इसकी कैप को, जो कि वाइट कलर की कैप थी, किस कैप से रिप्लेस कर दिया, ब्लू कलर की कैप से. ठीक है ना, तो एक केस तो इसका ये हो गया बच्चों. ठीक है ना, अब दूसरा केस इसका ये हो गया, आपने इसकी दो फॉर्म इसकी पकड़ ली. अगर मैं इसको रिप्लेस करता रहूं, मैं मतलब केवल कैप को रिप्लेस करूंगा, तो आपको एक फॉर्म तो यहाँ पे ये मिल गई. ठीक है ना, तो आपको ये पता चल गया कि इसकी एक फॉर्म ये होती है. दूसरे केस में मैंने केवल कैप चेंज की तो आपको ये फॉर्म पता चल गई. तो ये दूसरी फॉर्म है जो कि हमने इसको लेबल्ड डाला, मतलब हमने एक ऐसा ग्रुप डाला जिसको कि लेबलिंग की हुई थी, जिसमें मार्किंग की हुई थी, और वो मार्किंग किया हुआ जो ग्रुप है वो अलग 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 पोजीशन में जुड़ने के कारण अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बताएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये तो दो अलग अलग फॉर्म है, सेपरेबल फॉर्म्स है, जो कि इसके केस में पॉसिबल नहीं है बच्चों. इसके केस में ये सेपरेबिलिटी जो है ये आइसो लेबलिंग से भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सेपरेट नहीं की जा सकती. ये आइसो लेबल से इस बात को फाइंड आउट किया जा सकता है, इसमें सेपरेशन नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पे हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फाइंड आउट की है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में. हमने कहा है वो सारे चीज़ें कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहे जाएंगे जिनमें कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, मगर वहाँ पे ग्रुप्स का अरेंजमेंट एक रिजिड सेंटर के अराउंड होगा. जबकि अगर हम कॉन्फॉर्मेशनल की बात करें तो वहाँ पे सेंटर जो होगा फ्लेक्सिबल सेंटर होगा. आप इसके एग्जांपल को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रिजिड फ्लेक्सिबल सैंपल का मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी है. ठीक है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है. और रिजिड का मतलब है ये रिजिड है, अगर इसको तोड़ोगे तभी जा कर के दूसरी फॉर्म बन सकती है, केवल घुमाने से इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो सकती है. ठीक है ना, तो वही वाली बात है कि अरेंज यहाँ पे जो सेंटर है वो रिजिड है. सेकेंड केस में सेपरेबिलिटी है, आप लोगों को सेपरेबिलिटी का एग्जांपल तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये फॉर्म अलग सेपरेट हो सकती है और दूसरी फॉर्म अलग सेपरेट हो सकती है. जबकि नॉन सेपरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इस स्टेज को आप एक बार के लिए देख रहे हो तो थोड़ी देर बाद ये स्टेज चेंज होकर ऐसे हो जाएगी. ये मतलब एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग फॉर्म्स है, कहने का मतलब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल की दो अलग अलग तीन अलग अलग चार अलग अलग फॉर्म्स हैं. ठीक है बच्चों, और तीसरा केस मैंने लेबलिंग का कहा, जिसमें मैंने आपको इसकी कैप चेंज करके बताई. तो आपने देखा कि अगर कैप की जगह लेबलिंग, मतलब ग्रुप्स लेबल्ड कर दिए जाएं, कोई लेबल ग्रुप इसमें लगा दिया जाए, तो वो इसके डिफरेंट फॉर्म्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए यूज़ किया गया है, जो कि थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा रिसर्च का मैटर है. अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है पॉइंट तो कोई बात नहीं, आपको बाकी के दो अरेंजमेंट दो पॉइंट्स जो हैं ये समझ में आ जाएंगे, तो इससे भी आप लोग इनके डिफरेंस को मार्क आउट कर पाएंगे बच्चों. इन पॉइंट को लिखने के बाद ये जो कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं ये भी फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं क्लासेस में. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की दो क्लासेस बनाई हुई हैं बच्चों. पहली क्लास जो है ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी कैटेगरी है ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की दो क्लासेस हैं, जबकि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की जो कैटेगरीज हैं वो हो गया ओपन चेन कॉन्फॉर्मर्स एंड साइक्लिक कन्फॉर्मर्स। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है बच्चों। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो सब क्लासेस हैं, जबकि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के अंदर ओपन चेन कॉन्फॉर्मर्स एंड साइक्लिक कन्फॉर्मर्स, ये दो तरीके के सब क्लासेस हैं। तो आपको एक एक अलग अलग जो सब टॉपिक है, जो ये क्लासेस हैं, इनको समझना है, तब जाकर के आप लोग इन दो मेजर क्लासेस को समझेंगे, और उसके बाद जब इन दोनों मेजर क्लासेस को एज ए होल समझ जाएंगे तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ जाएंगे। तो हमारे पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा बच्चों वो इस तरीके से रहेगा, सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझेंगे, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझेंगे, ताकि हम लोगों को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म बहुत थॉरो हो जाए, बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। इसी तरीके से हम पहले ओपन चेन कॉन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे, फिर साइक्लिक चेन कॉन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे, ताकि हमें कॉन्फॉर्मर्स समझ में आ जाए, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझ में आ जाए। और इन दोनों को जब हम लोग समझ चुके होंगे तो ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लियर डिस्कशन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों का जो टॉपिक आज आगे बढ़ा रहा हूँ वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से बढ़ा रहा हूँ। तो हमारा बच्चों आज का टॉपिक हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब जहां पे कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने के बावजूद उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती, जहां पे डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाने का मतलब क्या है बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आता है। देखिए आप इस एग्जाम्पल को देख करके डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। ये जो दो हमने एग्जाम्पल्स बनाए हैं, इसमें ये जो कंपाउंड है बच्चों इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, और ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाया है इसका नाम है मैलिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड में डिफरेंस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सी डबल बॉन्ड सी के एक तरफ इसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए, और इस वाले केस में सी डबल बॉन्ड सी के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं, मगर अगर कोई कंपाउंड थ्री डायमेंशनल है तो वो तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा ना, वो तो थ्री डायमेंशनल है, ये तो आपको परसेप्शन करना पड़ रहा है कि ये दोनों ऐसे अरेंज रहे होंगे, तब जाकर के ये ऐसे, ये और ये कंपाउंड अलग अलग रहे होंगे, मतलब ये एक परसेप्शन का मैटर है। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको मॉलिक्यूल का है, खुद से परसेप्ट करना पड़ेगा, मगर इन दोनों के ऐसे होने के कारण क्या क्या कैसे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा, मैं उस चीज को दिखा करके आपको बताऊंगा कि ये दो कंपाउंड है। देखिए अगर मैं फ्यूमेरिक एसिड को गर्म करता हूं, कुछ टेम्परेचर देता हूं, थोड़े गर्म करता हूं, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, पर अगर मैं इस कंपाउंड को गर्म करता हूं, थोड़ा सा टेम्परेचर देता हूं, तो इसमें चूंकि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप देख रहे हो, दोनों एसिडिक ग्रुप एक दूसरे के नजदीक है, नजदीक होने के कारण इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और इस हाइड्रोजन से ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर के माइनस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देंगे, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कंपाउंड जो होगा वो ये देखिए इस तरीके से एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है
मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के बाद बना, इसलिए इसका नाम एनहाइड्राइड लिखा गया। देखिए अब मैलिक एसिड से निकला है इसलिए इसका नाम मैलिक एनहाइड्राइड है, मगर आपको अगर मैं पूछूं कि दोनों केसेस में से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस किस में पॉसिबल है, तो आप कहेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के अगल बगल है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर रखूंगा तो इससे मैलिक एनहाइड्राइड का बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप अगर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे और जिस मॉलिक्यूल से एनहाइड्राइड बनेगा वो तो हो गया मैलिक एसिड, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट एक साथ है, और जिससे नहीं बन पाया मैलिक एनहाइड्राइड इसका मतलब वो मैलिक एसिड नहीं है, उसका आइसोमर है जिसको कि हमने फ्यूमेरिक एसिड नाम दिया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आया है वो किस कारण आया है, इस सिमिलर ग्रुप के एक दूसरे के अपोजिट या एक साथ होने के कारण, ठीक है ना। इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं वो मिलती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे दो कंपाउंड्स को कहते हैं जहां की अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप या तो सी डबल बॉन्ड सी के एक तरफ होगा या फिर एक दूसरे के अपोजिट होगा, और इसमें एक कैटेगरी जिसमें कि अपोजिट होता है उसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और जिसमें एक साथ ग्रुप होते हैं उसको सिस फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक नाम जो हो गया वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हो गया बच्चों, इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कहने का मतलब इनकी जो दो फॉर्म पॉसिबल होती हैं उनमें से एक फॉर्म सिस और एक फॉर्म ट्रांस होती है। चलिए इन एग्जांपल्स को और ज़्यादा जनरलाइज तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैंने जो आपको फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड दिया था, ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल, आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो सी डबल बॉन्ड सी है, और इस सी डबल बॉन्ड सी के दोनों टर्मिनल्स पे दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं इसमें एक ग्रुप ए जुड़ा हुआ है, इसमें ग्रुप बी जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक ग्रुप ए जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक ग्रुप बी जुड़ा हुआ है। एक फॉर्म बच्चों इसकी ये पॉसिबल है, तो हम दूसरी फॉर्म भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, जबकि जो टर्मिनल ग्रुप है उनकी पोजिशन चेंज हो जाएगी, केवल एक में चेंज करेंगे। देखिए ए और बी यहाँ पे तो सेम रहने दिया हमने, यहाँ पे हमने पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर ली, ये बी यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हो गए हैं। इनमें से एक कंपाउंड ऐसा जिसमें कि सेम ग्रुप एक तरफ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस, इसको कहेंगे सिस कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट हैं इनको कहेंगे ट्रांस, ट्रांस। तो ये इसकी कंपाउंड का सिस आइसोमर हो गया और ये इसका ट्रांस आइसोमर हो गया। देखिए इसको पहचानना भी बड़ा इजी है, ठीक है ना। पहचानने के लिए आप कंपाउंड में क्या देखेंगे, हमेशा एक सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप देखेंगे, जहां पे भी सी डबल बॉन्ड सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे आपको, आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है, और उस फॉर्म को जिसमें कि सिमिलर ग्रुप एक तरफ होते हैं सिस फॉर्म कहते हैं, और जिसमें सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ट्रांसवर्सल तरफ होते हैं ट्रांसवर्सल होते हैं उसको ट्रांस फॉर्म कहते हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का आप एक एग्जांपल पकड़ लेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा अब मैं इसका आपको पूछूं कि ये दोनों एग्जाम्पल्स कैसे बने, मतलब ये दो कंपाउंड डिफरेंट कैसे हुए, तो देखिए इन दोनों को डिफरेंट होने का तरीका क्या था। देखिए मान लेते हैं ये डिफरेंट होने का कारण था, देखिए ये सी डबल बॉन्ड सी, और इसका रीजन समझे, मान लेते हैं ये एक कार्बन है ये वाला और दूसरा कार्बन ये है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड के कारण ये लोग आराम से घूम पाते, ठीक है ना। इसका रोटेशन जो हो जाता वो कैसा हो जाता, फ्री रोटेशन हो जाता, ठीक है ना। मगर अगर मैं इसके साथ एक बॉन्ड और लगा दूं, मतलब अगर ये डबल बॉन्ड बन जाए, तो अब देखिए इसका रोटेशन नहीं हो सकता, अभी रोटेट नहीं कर पाएगा। तो चूंकि ये अब रोटेट नहीं कर पा रहा है तो इसको कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन। अब घूर्णन चूंकि इसका प्रतिबंधित हो गया इसलिए एक बार तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, और हो सकता है थोड़ी देर बाद एक फॉर्म ऐसी भी मिल जाए इसकी दूसरे कंपाउंड में,
वो ऐसे हो सकती है, मगर ये वाली फॉर्म दूसरी फॉर्म के साथ कन्वर्ट नहीं हो सकती, इंटर कन्वर्टेबल नहीं हो सकती। एक फॉर्म ये है जिसको सेपरेट किया जा सकता है, दूसरी फॉर्म ये है जिसको सेपरेट किया जा सकता है। तो अगर हम इसका रीजन कहेंगे बच्चों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रीजन क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। अब अगर हमें इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें या तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एक ज्यादा एनर्जी देकर के हम पहले इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, फिर ये मॉलिक्यूल खुद घूमेगा, फिर ये इस तरफ से अपने को कन्वर्ट करके इस तरफ लेके आएगा और इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा इसकी पोजीशन में, तब जाके फिर डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये तो नया मॉलिक्यूल बन गया। ये एक इस तरीके का केस नहीं है जैसे मैंने आपको अभी कन्फॉर्मेशनल कन्फॉर्मर्स के बारे में बोला था, इस तरीके का केस नहीं। ये तोड़ने के बाद दूसरी कंडीशन पैदा हुई है। आप लोगों ने देखा जब तक डबल बॉन्ड रहेगा तब तक ये केस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये पहले डबल बॉन्ड को तोड़ना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो दो फॉर्म है एक दूसरे से सेपरेट की जा सकती है, इसलिए ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है। और चूंकि ये दोनों फॉर्म तभी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इन पे डबल बॉन्ड है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू डबल बॉन्ड के कारण ये दो फॉर्म एग्जिस्ट कर पाई हैं। इतनी बात बच्चों आप लोगों को पहले समझनी है, ओके। इतनी बात समझ जाने के बाद और इस एग्जाम्पल को समझ जाने के बाद आपको अगर मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और दूंगा तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस किस ये इनमें से सिस कौन है और ट्रांस कौन है। देखिए ई एग्जाम्पल इस तरीके से, आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने से खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये चार एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, इन चारों एग्जांपल्स में अगर ये हमारा देखिए C डबल बॉन्ड C हो गया, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को शो कर रहा है। अब इसमें सेम ग्रुप, मैंने कहा था AA ग्रुप एक साथ होंगे, मतलब ये सिमिलर ग्रुप एक तरफ है, तो ये किस तरीके की फॉर्म हो गई? सिस। इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो गया? देखिए ये ब्यूटीन है, ये है ब्यूटीन 2, तो ये ब्यूटीन 2 की कौन सी वाली फॉर्म हो गई? सिस। ऑब्वियस ही बात है कि ब्यूटीन 2 की एक ट्रांसफॉर्म भी होती होगी जो कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ठीक है ना। मैं मतलब ऐसे कहूं अगर आपको तो ये एक ब्यूटीन 2 की ट्रांसफॉर्म होगी, दिस इज अ ट्रांस ब्यूटीन 2। तो आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई। दूसरा केस देखिए बच्चों, यहां पर सिमिलर ग्रुप क्या है? एक दूसरे से अपोजिट है, अपोजिट का मतलब ट्रांसवर्जल है, ट्रांसवर्जल का मतलब ये ट्रांसफॉर्म है। तो इसको अगर मैं बोलूं तो ये एक ट्रांस कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर हम लोगों को पता है, ये एक इथीन मॉलिक्यूल है, ये एक इथीन मॉलिक्यूल है, तो डाइक्लोरो इथीन इसका नाम हो गया, मगर ये ट्रांस डाइक्लोरो इथीन ही हमारा एक एग्जाम्पल बच्चों हो गया। ये थर्ड कैटेगरी, थर्ड जो एग्जाम्पल है इसको देखिए, इसमें सिमिलर ग्रुप क्या है? सेम साइड है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, तो मैं देखूंगा कि इस सेंटर के अबव सिमिलर ग्रुप है और इस सेंटर के बिलो सिमिलर ग्रुप है, तो हम लोग यहां से भी समझ सकते हैं कि ये सिस एग्जांपल है। ये डाइब्रोमो इथीन का एग्जांपल हो गया, या फिर डाइब्रोमो डाइक्लोरो इथीन का एग्जांपल हो गया, जिसका ये सिस फॉर्म है, सिस आइसोमर है। और ये फोर्थ वाला नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं इसमें सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड है और दूसरे तरीके के ग्रुप भी सेम साइड है, तो ये भी ए और बी कैटेगरी का एग्जांपल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस एग्जांपल हो गया, सिस। और आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6 कार्बन की इसमें एक चेन है
और दो इसमें साइड चेन है मिथाइल, तो आप इसका आईयूपीएसी नेमिंग भी कर सकते हैं बच्चों, जो कि आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। तो उस तरीके से आप लोग इन चारों एग्जांपल्स में आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि इनमें से सिस फॉर्म कौन सी है, ट्रांसफॉर्म कौन सी है। अब इससे एक एडवांस लेवल का एग्जाम्पल, ये तो केस था जबकि सी डबल बॉन्ड सी के दोनों तरफ सिमिलर तरीके के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए थे, सिमिलर तरीके के ग्रुप्स जुड़े हुए थे, कहने का मतलब सी डबल बॉन्ड सी ए बी ए बी जुड़े हुए थे। पर अगर मैं इनमें से एक ग्रुप को रिप्लेस करके इसकी जगह एक नेक्स्ट ग्रुप लगा दूं सी, तो ये एग्जांपल पुराने की तरह तो नहीं रह गया। अब इसमें भी क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? हाँ होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसके कारण हो रही है, ठीक है। मगर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा? इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बच्चों हम लोग बी सी ए बी ये लिख सकते हैं, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। इन दोनों में से सिस कौन होगा? तो देखिए अगेन, जहां पे सिमिलर ग्रुप एक साथ होंगे वो सिस हो जाएगा, और जहां पे सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ट्रांसवर्जन होंगे वो ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इस एग्जांपल से ये भी कह सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप तो एक तरफ है ही नहीं, यहाँ पे तो सिमिलर ग्रुप एक तरफ है ही नहीं, मगर आपको ऐसे केस में केवल एक पेयर भी अगर मिल जाता है तो एक पेयर से भी इसका नाम ऐसे रखना है। आपको कम से कम एक तो एग्जाम्पल मिल रहा है ना, एक तो पेयर ऐसे मिल रहा है जो कि एक दूसरे के ट्रांसफर है या एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो आप इसको ही बेस मान करके इसका नाम सिस और ट्रांस रखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिनिमम एक कोई भी ग्रुप सिमिलर हो जाए तो आप अपना काम चला लेंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी है बच्चों इस केस में। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल बनाएं तो देखिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी सी टू एच फाइव एच और एच। देखिए यहाँ पे दो ग्रुप्स जो सिमिलर हैं, पहले तो उनको आइडेंटिफाई किया हमने, देखिए इन दोनों के केसेस में दो हाइड्रोजन है, और अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या एक दूसरे की तरफ है या एक एक प्लेन में है? हाँ जी, ये तो लोअर प्लेन में है, चूंकि ये लोअर प्लेन में है तो ये एग्जांपल क्या हो गया? सिस हो गया। वेरी गुड, तो ये एग्जांपल हमारा सिस केस हो गया बच्चों। ये एग्जांपल अगर आप लोग समझ गए तो मैं आप लोगों की डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा और एक नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ लेके चलूंगा आपको। इस केस में आपने देखा कि जब हमारे दो ग्रुप एक जैसे थे मगर दो ग्रुप डिफरेंट थे, यहां पे दो ग्रुप एक जैसे थे मगर दो ग्रुप डिफरेंट थे। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों, उसमें मान लेते हैं कि चारों के चारों ग्रुप क्या हो गए? एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अभी तक तो हम सिस ट्रांस किसे कह रहे थे? जब सिमिलर ग्रुप एक तरफ थे, मगर यहाँ तो बच्चों सिमिलरिटी जैसा कोई भी सवाल ही नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रुप सिमिलर ही नहीं एक दूसरे की। ए इज नॉट इक्वल टू बी सी डी, देखिए कंडीशन ये है कि इनमें से चारों में से कोई भी ग्रुप एक नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो ये केस तो ना सिस कहा जा सकता है ना ट्रांस कहा जाता है सकता है। मगर इसको कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तो हमेशा एग्जांपल ऐसे दिया हुआ रहेगा ना, कोई ना कोई एग्जांपल लिख करके दिया रहेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल सी एच सी टू एच फाइव सी, आपको तो हमेशा एक एग्जांपल कोई लिख करके दिया रहेगा ना, तो आपको वो एग्जांपल देखना है और उसमें से एक कार्बन पे, मान लीजिए इसको सी वन कह दिया मैंने और इसको सी टू कह दिया, तो पहले आपने सी वन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स देखने हैं और ये देखना है कि इसमें से कौन सा वाला ग्रुप ऐसा है जिसमें पहला एटम जो जुड़ा हुआ है उसका एटमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है ना। तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देनी है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन से जुड़े हुए दो ग्रुप कौन से हैं बच्चों? एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन तो सबसे छोटा होता है, इसलिए इसको तो सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी क्योंकि इसका तो एटमिक नंबर वन होता है, इसलिए ये तो सबसे कम ही हो गया, इसको तो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी हर केस में। मगर मैं सेकंड नंबर के कार्बन की अगर बात करूं तो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ कार्बन एक कार्बन मॉलिक्यूल एटम है, सी टू से जुड़ा हुआ पहला एटम जो है कार्बन है, जबकि इस सी टू से जुड़ा हुआ यहाँ पे क्लोरीन एटम है। तो इन दोनों के बीच में आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी,
प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो हमेशा ज़्यादा होता है, 17 होता है, आपको पता है। और इसमें कार्बन जो है इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, 12 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी 6 होता है, तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों इसको मिलेगी और सेकेंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, ठीक है। अब आप लोगों ने ऐसे प्रायोरिटीज देने के बाद भूल जाना कि कंपाउंड क्या लिखा था, आपने सिर्फ C डबल बॉन्ड C लिख करके प्रायोरिटीज लिख देनी है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी थी, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटीज थी, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी थी और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप था। अब आप लोगों ने देखा कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या एक तरफ है और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या एक तरफ है। अगर हायर प्रायोरिटीज ग्रुप एक तरफ है तो उसको जेड फॉर्म कहते हैं, जेड, और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन हैं तो उसको बोलेंगे ई ग्रुप। तो ई मतलब ऑपोजिट और जेड मतलब टुगेदर, ठीक है ना। जहां पे सिमिलर ग्रुप टुगेदर होंगे, एक प्लेन में होंगे, तो वो जेड फॉर्म कहलाएगी, और जहां पे सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट होंगे वहां पे वो क्या हो जाएगा, ई फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं इस एग्जांपल को बोलूं तो ये एग्जांपल किस तरीके की कैटेगरी हो गई, देखिए यहाँ पे सिमिलर ग्रुप क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, ई फॉर्म हो गई। कहने का मतलब कंपाउंड का नाम तो आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इसका नाम है, देखिए आईयूपीएसी में इसका नाम क्या है, ये 2, 3, 4, 5 कार्बन का एक एल्कीन है, मतलब पेंटीन है, और पेंटीन 2 है ये, तो इसका नाम पेंटीन 2, पेंटीन 2 तो इसका नाम हो जाएगा। और इससे पहले बच्चों आप लोगों को इसकी इसकी फॉर्म दिखानी पड़ेगी, ज्योमेट्रिकल फॉर्म दिखानी पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि ये एक ई पेंटीन 2 है। इस तरीके से आप इसके दूसरे आइसोमर को इससे डिफरेंट कर सकते हैं। देखिए दूसरा आइसोमर इसका क्या बनेगा, ऑब्वियस बात है कि इसमें ग्रुप्स जो रहे होंगे वो यहाँ पे सी एल रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, सी टू एच फाइव। तो यहाँ पे ये हायर ग्रुप हो गया और ये लोअर ग्रुप हो गया, तो इस केस में 2 वाले की जगह 1, 1 वाले की जगह 2 और ये E की जगह अब Z फॉर्म बन जाएगा, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। ये फिर हो जाएगा, ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, Z, E की जगह Z आ जाएगा और पेंटीन 2, बाकी सारी बातें सेम रहेगी। तो ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के हो गए, तो ये ई जेड आइसोमर्स कहलाए जाएंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं कहलाए जाएंगे, मगर होंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही, ठीक है ना। आप ये समझिए कि ये इनके दो नाम हैं। जब तक आपका काम सिस ट्रांस से चल रहा था आपने सिस ट्रांस से काम चलाया, अब ये वाला एग्जांपल है जिसमें कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी डी, तो इस केस में आप नाम चेंज करके ई और जेड नाम लिख लेंगे, बाकी प्रायोरिटीज ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिसाइड करना है, और इतना करने के बाद आप उसको उसका जो आईयूपीएससी नेम है उससे आगे उसका फॉर्म लिख देंगे कि ये ई फॉर्म में है या जेड फॉर्म में। तो ऐसे करके बच्चों आप लोग ई जेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम से उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को एक दूसरे से डिफरेंट बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गया सिस ट्रांस एंड ई जेड आइसोमेरिज्म, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, मगर और जिसका कारण क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, हमने पढ़ा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मतलब हमें कहीं पे भी सी डबल बॉन्ड सी मिलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे तो एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और चूंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इसलिए इसके दो फॉर्म्स हो सकती हैं, अब वो ई जेड या सिस ट्रांस हो सकती है। पर अब प्रश्न ये है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या केवल सी डबल बॉन्ड सी में ही होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है कि नहीं, ये केवल सी डबल बॉन्ड सी में नहीं होता, इसके फर्दर एग्जाम्पल्स अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो सी डबल बॉन्ड एन इसका एक एग्जाम्पल आता है। इस तरीके के कंपाउंड्स भी इसमें एडवांस में एडवांस जब लेवल आप पढ़ रहे हैं इसका, तो आप लोग देखेंगे कि जहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा, कहने का मतलब है देखिए इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों के दोनों क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है, एक सिमिलरिटी है, इन दोनों के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाने के कारण ये दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब तो यह है कि जहां पे भी जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, बिल्कुल यही का मतलब हुआ। तो बिल्कुल इसका यही मतलब है कि अगर कहीं और भी हमें
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाई देगी तो वहां पे भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो ये क्या केवल ओपन चेन में ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये क्लोज्ड चेन में भी हो सकता है। मतलब अगर कहीं पे रिंग सिस्टम बन गया तो वहां पे भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड की तरह ये काम करेगा और दूसरे सिंगल बॉन्ड की तरह ये काम करेगा, ये तो ये भी डबल बॉन्ड हो गया इन दोनों कार्बन के बीच में। बच्चों ये एक डबल बॉन्ड हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये दो कार्बन है और इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो ये है और दूसरा बॉन्ड ये है, तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, ठीक है ना। तो आप समझ चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सी डबल बॉन्ड सी या इस तरीके से कहीं पे भी जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहां पे एग्जिस्ट करती है। कुछ केसेस में इनमें सिस ट्रांस नाम दिया जाता है और कुछ केसेस में इसमें ईजेड नाम दिया जाता है, मगर वो केवल सी डबल बॉन्ड सी के केस में था। अब जब हम सी डबल बॉन्ड एन पढ़ते हैं या एन डबल बॉन्ड एन पढ़ते हैं तो वहां पे नाम बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट होने लग जाता है।